Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. आ चुका है दोस्तों Realme Narzo 60X। आज इसके बारे में आपको सारी जानकारी देंगे एकदम टेक्नो स्टाइल में। बॉक्स देखेंगे, ब्लू कलर में है, 60X लिखा हुआ है। बॉक्स में आपको फोन मिलता है, एक बैक केस दिया गया विच इज गुड, साथ में आपको 33 वॉट का चार्जर है और उसी के साथ एक टाइप सी केबल सिम इजेक्टर पिन। फोन की तरफ आते हैं, डिजाइन और बिल्ड इसका अच्छा है। देखिए दिखने में दोस्तों पीछे जो हमारे पास कलर है ये ग्रीन है, आपको एक पर्पल कलर भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे क्रॉस एरेज यहाँ पर दिए गए। ये बेसिकली कंपनी ने ऐसा बताया कि वो जो पाथ्स होते हैं गैलेक्सीज के, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। और डेफिनेटली दिखने में अगर आप थोड़ा सा लाइट के सामने ऐसा लेके जाते हैं तो वो पार्ट्स जो होते हैं ना वो प्रॉपर ऐसा ग्लिटर होते हैं थोड़ा सा, तो देखने में काफी अच्छा लगता है। तो डिजाइन कॉन्सेप्ट इनका काफी अच्छा है, थोड़ा सा मल्टी कलर इफेक्ट भी यहां पर आ जाता है, ग्लॉसी है और ये पॉलीकार्बोनेट बैक है, लेकिन उंगलियों के निशान इतने नहीं पड़ते क्योंकि कलर ही ऐसा दिया है कि वो निशान को यहां पर दिखाता नहीं है। कैमरे का लेआउट देखेंगे तो इस तरीके से दो आंखें आपको गौर के देख रही है और फ्रेम्स भी आपको यहां पर पॉलीकार्बोनेट मिलते हैं। उसी के साथ इसका फॉर्म फैक्टर भी काफी अच्छा है, इसमें 5000 mAh की बैटरी है फिर भी 7.89 mm की थिकनेस और 190 ग्राम्स, हाथ में होल्ड करने पर कंफर्ट बहुत अच्छा है। उसी के अलावा आपको नीचे 3.5 mm जैक, माइक होल्ड, टाइप सी पोर्ट, एक ही स्पीकर है, दो होता तो ज्यादा अच्छा होता। लेफ्ट में सिम ट्रे, लेकिन यहां पर आपको फुल साइज मिलता है विच इज गुड। एक और माइक मिलता है ऊपर, तो डुअल माइक हो गया है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। वॉल्यूम अप एंड डाउन की राइट में और उसके नीचे पावर बटन जिसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है। इनफैक्ट फोन में हैप्टिक्स भी जगह जगह पर आपको अच्छा मिलता है, मल्टीटास्किंग कर ले और दूसरे जगह अगर टाइपिंग वगैरह करते हैं तो वहां पर काम अच्छे से करता है। अब डिस्प्ले दोस्तों ह्यूज है, 6.72 इंच की फुल एचडी प्लस वाली एक आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है और यहां पर आपको स्क्रीन गार्ड भी पहले से लगा कर दिया है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफी अच्छा है, 91% से ज्यादा है, पंचोल सेंटर में छोटा है, चिन भी कम है और उसी के साथ 120 हर्ट्ज की आपको हायर रिफ्रेश रेट मिलती है, 180 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट है। यहां पर अभी स्वाइप्स करते हैं नॉर्मली अगर आप इंटरफेस में तो बहुत अच्छा चलता है और इंटरफेस में 120 पर ही रहता है। वैसे अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे, प्ले स्टोर में जाते हैं तो वहां पर 60 और 90 पर रहता है, कभी कभी क्रोम 120 पर चल जाता है, डिपेंड करता है, लेकिन ये समवॉट आपकी बैटरी भी कहीं ना कहीं सेव करेगा, लेकिन ओवरऑल स्मूथनेस इसकी काफी अच्छी है। और उसी के साथ आपको 680 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसकी है, इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी दोनों यहां पर अच्छी है। अगर मैं आपको इंडोर में भी दिखा दूंगा तो आप देखेंगे ब्राइटनेस काफी अच्छी है, ओवरऑल जब आप वीडियोस वगैरह देखते दूसरे काम करते तो एक्सपीरियंस यहां पर अच्छा रहेगा। परफॉर्मेंस के लिए आपको इसमें मिलता है मीडियाटेक डायमंडसिटी 6100 प्लस 5G चिपसेट। अब ये एक लेटेस्ट चिपसेट है, 6nm पर बेस्ड है, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा होने वाला है। जहां पर एंड्रॉइड स्कोर 400,000 के आसपास आया था, सीपीयू थ्रॉटल बहुत अच्छा था, मतलब 90% के ऊपर था, सब बार्स ग्रीन में थे और मैक्स 40 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था, मतलब नॉर्मल यूज पर ये ज्यादा हीट नहीं करता है। और स्टेबल चिपसेट ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो मैंने यहां पर इसके सीपीयू थ्रॉटल में देखा। रीड राइट की स्पीड भी यहां पर डिसेंट थी, हमने फाइल कॉपी पेस्ट करके भी देखा तो वो काफी फास्ट था। LPDDR4X रैम सपोर्ट, UFS 2.2 स्टोरेज का सपोर्ट, मल्टीटास्किंग, ऐप ओपन क्लोज, फोन बढ़िया चलता है। जितना भी अभी तक हमने यूज किया नॉर्मल टास्क की भी बात करो तो ये ज्यादा हैंग लैग नहीं करता है। साथ में BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह भी हमने हाइपर सेट करके टेस्ट किया, ओवरऑल एक्सपीरियंस वहां पर भी काफी स्मूथ था। बैटरी की बात करते हैं, 5000 mAh की आपको बैटरी मिलती है और 33 वॉट चार्जर से अगर मैं चार्जिंग टाइम की बात करता हूं तो एक घंटा या उससे थोड़ा ऊपर लेता है चार्ज करने के लिए। और अगर बैटरी बैकअप की बात करूं तो हमने सुबह के टाइम 11 बजे के आसपास 100% चार्ज किया था, इसमें काफी इंटेंस हमने काम किया है, हमने बहुत वीडियोस देखे, कैमरे में फोटोज लिए, गेम्स खेले, सारे आप बैटरी यूसेज देख सकते हैं। और ये शाम के 8 बजे 22% हो गया, फिर रात में थोड़ा और यूज किया और रात के 1 बजे तक ये हो गया 16%। इससे ये पता चलता है कि इंटेंस टेस्ट करने पर भी ये पूरा दिन आराम से चलता है। अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं, मिक्स्ड यूज भी करते हैं तो पूरे दिन का बैकअप तो आपको आराम से मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर के लिए Realme UI 4 Android 13 पर बेस्ड है, 2 साल के ईयरली अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस। बीइंग अंडर 15,000 स्मार्टफोन मुझे लगता है कि ये अच्छा है, एटलीस्ट 2 साल के अपडेट्स उन्होंने यहां पर दिया है। वैसे बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हमने देखा है, हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, ये अलग से जब सेटअप करते हैं तो वहां पर भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस आ रही है, काफी सारी चीजें हमने नोटिस करी है। बात यह कि आप इनको डिसेबल कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन पहले से ये सारी चीजें ना हो तो ज्यादा अच्छा होता। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो डुअल सिम 5G सपोर्ट है, हमने दोनों स्लॉट में सिम लगाकर देखा, 5G सपोर्ट करता है और नेटवर्क कॉल क्वालिटी, डेटा वगैरह अच्छा चलता है। वाइडबैंड 11 दिया है तो अमेजॉन नेटफ्लिक्स आप HD पर स्ट्रीम कर सकते हैं, हमने चेक किया वो सपोर्ट करता है। उसी के साथ आपको उसमें 5GHz वाईफाई का सपोर्ट है, वाईफाई रेंज भी अच्छा है, ब्लूटूथ 5.2 और सारे सेंसर्स का आपको यहां पर सपोर्ट मिलता है। फाइनली दोस्तों कैमरे की बात करें तो 50MP प्राइमरी सेंसर है जहां पर आपको मैक्स फुल HD 30 FPS पे वीडियो शूट करने मिलता है, फिर एक 2MP का सेंसर दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो
तो आपको उसमें 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। यहाँ पर भी मैक्स फुल एचडी 30fps पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। कैमरे में काफ़ी सारे फीचर्स दिया है, पोर्ट्रेट है, आपको स्लो मोशन वगैरह दिया है, स्लो मोशन वीडियोज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे आपको उसके अलावा नाइट में भी सेल्फी में भी नाइट मोड दिया गया है, विच इज़ गुड। और फोटोज देखेंगे अगर नाइट सेल्फी की बात करें तो अच्छे है, नॉट बैड। और स्ट्रीट मोड भी दिया है, उसमें भी काफ़ी सारे फिल्टर्स है आप लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको एक्स्ट्रा करना है वो आप कर सकते हैं। वैसे डे में अगर मैं रियर कैमरे की फोटोज़ की बात करता हूँ तो अच्छे क्वालिटी की फोटोज़ आप ले सकते हैं। बीइंग अंडर 15,000 फोन में कहूँगा अच्छे है। बाकी ओवरऑल पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह भी देखते हैं, ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स देखते हैं, विच इज़ गुड। और सेल्फी देखते हैं डे में तो ये भी अच्छी निकल कर आई है। अभी 8 मेगापिक्सल से वैसे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं, बट कुड हैव बीन बेटर मैं ये ज़रूर कहूँगा। थोड़ा और थोड़ा सा सॉफ्ट लगते हैं, कभी शार्प रहे ज़्यादा तो और अच्छा हो, क्योंकि 8 मेगापिक्सल ज़्यादा शार्प सेल्फीज नहीं देता है, तो ये चीज़ हमने यहाँ नोटिस किया। बाकी अगर नाइट में रियर फोटोज़ देखते हैं तो अच्छे निकल कर आए। अगर आप अच्छी लाइटनिंग कंडीशन में जाएंगे तो और भी अच्छी फोटोज़ यहाँ पर निकाल सकते हैं। वीडियो देखते हैं डे के अंदर, रियर सेल्फी दोनों दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्वालिटी शार्पनेस वगैरह अच्छी निकल कर आई है। वैसे मैं आपको एक काम करता हूँ, गूगल ड्राइव के लिंक नीचे छोड़ के हो, आप जाइए खुद जज करिए रॉ फाइल से सारी की सारी, आपको पता चल जाएगा कि फोटोज वीडियोस कैसे हैं। अब ज्यादा दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो अनफॉर्चुनेटली हमने लॉन्च से पहले बनाया, तो ज्यादातर फोन हमारे पास जो आते हैं वो लॉन्च से पहले बना देते हैं, तो प्राइसेस नहीं पता चलती। बहुत कम ब्रांड्स होती जिनकी तरफ से पता चलता है, लेकिन ज्यादातर नहीं होता है। एनीवेज, दो वेरिएंट से 4128 4GB रैम 120GB स्टोरेज, 6GB रैम 120GB स्टोरेज। ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि अंडर 15,000 आएगा। अभी हाल ही में जो Realme 11X आया था ना, उसके सिमिलर आपको ये देखने को मिलता है। तो बाकी देखते हैं कि ये फोन में क्या प्राइसेस होती है, वो तो आपको मैं ऑलरेडी स्क्रीन पर बता दूंगा, अगर नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी एक इंटरेस्टिंग फोन है, अंडर 15,000 आपको एक 5G फोन चाहिए, बहुत ऑप्शन है, ये भी उनमें से एक है जो काफी फीचर्स अच्छे देता है। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।